पवित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करो। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर बन रहा है प्रसाद के लिए हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 किलो सूजी लिया, सूजी को अच्छे से घी में भून लिया है। और उसके बाद यहाँ पर 20 लीटर पानी लिया था और बाल्टी से लगभग ये 2 स्टील की बाल्टी से 2 बाल्टी पानी था। और इसमें हमने 3.5 किलो चीनी डाली। तो यहाँ पर मैं चीनी में इलायची डालकर रखती हूँ, तो पहले इलायची हटा रही हूँ और उसके बाद हम इसमें चीनी और डाल देंगे। 3 किलो का ये पैकेट था और 1/2 किलो ये था, तो 3.5 किलो। और अभी इसमें हम साथ में फूड कलर डाल देंगे, ये ऑरेंज वाला जो जलेबी का कलर रहता है वो है, तो 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही डाला है। हम लोग सामान रात में ही ले आए थे और ये स्कूल की तरफ से बन रहा है, हम तीनों सिर्फ बना रहे हैं तो ये स्कूल में चला जाएगा। और यहाँ पर सुबह मैं आज जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी, तो यहाँ से पहले बाहर से पूरा झाड़ू लगाई और उसके बाद पूरा धोया था, क्योंकि यहाँ पर वैसे हम स्लीपर लेकर आ जाते हैं छत पर जाने के लिए, तो प्रसाद का भोग के लिए प्रसाद बनना था, तो यहाँ से पहले मैंने धुल दिया था। और अभी लगभग 7:30 बज रहे होंगे, तो 8:15 बजे तक हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, 8-8:30 बजे तक। और उसके बाद फिर हम अंश के स्कूल में PTM है, तो हम दोनों को PTM में जाना है इसलिए। और उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल जाऊंगी, आज गरबा का प्रोग्राम है तो प्रसाद भी वहीं बनकर जा रहा है। और यहाँ पर मैं चाय बनाकर ले आई थी, तो ये मैडम अभी पी रही चाय। ये मेरे साथ में स्कूल में पढ़ाती हैं और हमारी कॉलोनी में पीछे की साइड भी रहती हैं, तो ये मेरी फ्रेंड भी है। और यहाँ पर हम तीनों इलायची छील लेते हैं, इलायची छील जल्दी से क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने कूट ली है। कूटने के बाद हम तीनों इलायची छील लेंगे, फिर उसके बाद हम पाउडर बना लेंगे। और इलायची जब भी पीसो उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लें तो एकदम बारीक पीस जाती है, और ये थोड़ी नमी वाली थी तो अच्छे से बारीक बारीक नहीं पीसी थी, फिर भी चीनी डाल ली थी तो ठीक ठाक से पिस गई थी। उबाल आने में थोड़ा सा टाइम था तो हमने इसको ढक दिया था ताकि उबाल जल्दी से आ जाए। और गैस का फ्लेम हमने हाई रखा था। और इसके बाद ये सूजी जो भुनी हुई सूजी रखी है वो डाल देंगे। और अभी हमने इसमें घी मिक्स नहीं किया है, जब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हमने इसमें घी डाला था। घी लगभग 1.5 किलो था, तो हम ये 1/2 किलो की पैकेट लेकर आ गए थे, और 1/2 किलो की पैकेट और घर पे 1 किलो का डिब्बा रखा हुआ था, तो फिर उसमें से डाल दिया है। और यहाँ पर इतना एकदम बबल्स जैसे, और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इतना ज़्यादा हलवा बनाया, नहीं तो घर के लिए तो बनाती हूँ लेकिन इतना कभी बनाया नहीं, पहली बार ही बनाया था, बट अच्छा बना था। और यहाँ पर ये बोले कि तुम्हारा हाथ जल रहा है तो लाओ हम मिक्स कर देते, बाकी हाथ में ये बबल्स पूरा हलवा का तो हाथ पर आ रहे थे, तो हाथ जल रहा था, ये देखिए इनका हाथ भी जल रहा है, तो मैंने बोला आप छोड़ो मैं ही कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर इन्होंने गैस का फ्लेम थोड़ा लो टू मीडियम कर दिया और यहाँ पर इन्होंने पैकेट से अच्छे से घी निकाल कर डाल दिया ताकि पैकेट फिर फिक जाएगा, तो इससे अच्छा है कम से कम हलवे में डल जाएगा। और लास्ट में हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में हमने इसमें चिरौंजी, अपनी पसंद से इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर चिरौंजी, ग्रेट किया हुआ नारियल और किशमिश ही डालेंगे, बाकी आपको जो इच्छा हो, मतलब जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। बाकी हलवा बहुत अच्छा बना था, मुझे लग रहा था मेजरमेंट पता नहीं कैसा क्या होगा। तो यहाँ पर प्रसाद भी अब बनकर तैयार हो गया, लास्ट में हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए जो हमको डालना था। और हम इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए गैस का फ्लेम जैसे बंद किया तो बाहर से आग लग रही है, भट्टी ख़राब हो गई है, गिर गई थी क्या, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है अभी जाते यूज भी नहीं हूँ उसके बाद। और अभी किशमिश डालना भूल गए थे तो लास्ट में इसमें हमने किशमिश डाल दी। और इसके बाद अब हम लगा देते हैं भोग। भोग लगाने के बाद ये निकालने चले गए हैं कार, और मैं तो रेडी भी नहीं हो पाई थी क्योंकि PTM का टाइम हो गया था अंश का, तो फिर ये देखिए प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। बाहर तक हम दोनों लेकर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि अभी जस्ट बनाया, और हमको PTM में नहीं जाना होता तो फिर मैं इसको डिब्बे में पलट लेती, लेकिन फिर अभी PTM में जा रहे हैं तो ये स्कूल में इसी में लेकर चलते, और बहुत गर्म है तो डिब्बे में तो ये पलट नहीं सकते हैं क्योंकि हाथ से भी नहीं छूते बन रहा था। और ये देखिए कार में ये रख देते और हम निकलते हैं इसके स्कूल के लिए।
इसके स्कूल में पीटीएम, अभी हम तीनों पीटीएम के लिए। इसमें आया था प्रसाद बच के, ये देखिए इसमें। तो मेरे साथ जो हलवा बनवा रही थी तो वो ले गई थी, और मैंने सारी कॉलोनी में, मतलब हमारी आसपास में और रास्ते में भी जितने लोग पड़े थे, जैसे सब्जी वाले भैया, फल वाले जिनसे मैं लेती हूँ, तो उन लोगों को भी देती हुई आ गई थी सबको। लेकिन मैंने किसी को कटोरी में, किसी को कागज में ऐसे पैकेट बना बना कर दे दी। यहाँ ये इतना प्रसाद और बचा है, ये देखिए। तो ये हम तीनों के लिए हो जाएगा, अंश मेरे लिए और इनके लिए। गर्म नहीं है, खा लो, बैठ के खाओ, प्रसाद गिर जाएगा। ऐसे छू रही थी। अच्छा नहीं, उसको नहीं छूना, लो खाना बनाऊंगी। ये देखिए कितना फैला पड़ा है, सुबह से हलवा वलवा बनाया, और फिर आज स्कूल में डांडिया का प्रोग्राम था, तो स्कूल में मैं लहंगा तो नहीं पहन के गई थी, ये वाली, ये देखिए ये वाली साड़ी पहन कर गई थी। और अभी आई अंश और ये, आज इनकी और अंश की दोनों की छुट्टी थी। इसका तो स्कूल में पीटीएम था, तो हम पहले पीटीएम में गए थे, फिर घर आए, इसके कपड़े वपड़े चेंज कराए, और उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। इसके पेट में दर्द था, दो बार डॉक्टर को दिखाया, लेकिन समझ में नहीं आया, मतलब पेट, जब तक की दवाई खाई तब तक पेट ठीक रहा, दवाई ख़त्म हो गई, वापस पेट में दर्द होने लगा था। तो आज एम्स हॉस्पिटल लेकर गए थे, उन्होंने भी 3 दिन की दवाइयाँ दी हैं, और बोला 3 दिन बाद आकर ठीक नहीं होता तो सोनोग्राफी होगी, और गरम कर लेंगे, ठंडा हो गया। मैं अभी, मैंने भी नहीं खाया है, और सुबह देखिए पोहा बनाया था तो रखे हुआ है, खाया, टाइम नहीं मिल पाया था तो खाया नहीं, अब खाऊंगी। आपने ठीक कहा महाराज दशरथ, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दादा हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दादा तो सदा ही महान होता है, शास्त्र भी कहता है। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, खाना बना कर लेकर आई हूँ, और 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 बज गए। यहाँ पर मैंने रामायण लगाई थी, तो हम तीनों रामायण देख रहे हैं, देखो।